उधर आपको बता दें कि बल्लभगढ़ विधानसभा की गंदन कॉलोनी में दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्री पहुंचे और राज्यसभा प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्वागत किया। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हो रहे विकास कार्यों का भरोसा दिलाया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे और गरीब की सेवा करना ही सरकार का उद्देश्य है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 18 स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ स्थानीय लोग ले रहे हैं। जो जो केंद्र प्रदेश की जो योजना है जिनको लोगों को लाभ उठाना चाहिए, उज्ज्वल योजना है, आधार कार्ड है, पेंशन है और जहां बेटियों का कन्यादान योजना है या फसल बीमा योजना है, एक नई अनेक योजना है जो लोगों से जुड़ी है और लोग बार बार पैसा होते कहाँ जाए कहाँ है, इसका लाभ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए कि बार बार कहीं पेंशन की बात है, कहीं मेरा कहीं बुढ़ापा पेंशन की बात है, दूसरी अनेक योजना है उसका लाभ के लिए आज लोग खड़े हैं और इस तरह के दो कार्यक्रम शहर में तेजी लगातार चले हुए। 60,000 लोग ऐसे हैं जो अपने केंद्र प्रदेश की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और इस तरह के अंचल पर हर व्यक्ति के लिए 60,000 लोग तो ऐसे लोग हैं जिनको लाभ है, जिनको पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, उज्ज्वल योजना है, अपनी दूसरी अनेक योजना है, बुढ़ापा पेंशन है, कहीं ESI पेंशन है, जितनी अनेक योजना है उसका लाभ उठा रहे हैं और इस तरह की योजनाओं का सब